हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 15 व्हिच इज लाइट। लास्ट वाली जो हमारी दो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के बारे में डिटेल में समझा था। आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि हमारे जो लेंसेज होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस। तो बेसिकली जो हम लेंसेज को यूज करते हैं वो हम, आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसको हम यूज करते हैं जब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए, या तो फिर अर्थवॉर्म होते हैं या तो फिर कॉकरोचेज होते हैं, तो उनके छोटे छोटे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आप लोग उसको देखने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सीरियल्स भी आते हैं जिसमें डिटेक्टिव का जो रोल करते हैं उसमें इस टाइप से एक वो टूल यूज करते हैं जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और उससे हम लोग छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो उसमें जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की एक क्वालिटी होती है कि वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप होते हैं उसका भी क्या काम होता है कि जो छोटी चीजें होती हैं उसको बड़ा करके हम लोग देख सकें, तो उसमें भी हम लेंसेज का यूज करते हैं। जो स्पेक्टिकल्स, जो भी हम चश्मे वगैरह पहनते हैं उसमें भी हमें जो दूर की चीज होती है या फिर जो बड़ी चीज हमें देखनी होती है उसके लिए हम लोग स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं, तो वहां पर भी हमें लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है, और टेलीस्कोप में भी हमें लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है। दोस लेंसेज विच फील थिकर। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और कौन सा लेंस कॉनकेव लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो भी होता है अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो उसका बीच वाला जो पार्ट है, मिडिल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मोटा होगा, और उसकी जो एजेस होंगी मतलब जो साइड वाले जो पार्ट है वो पतला होगा, तो उससे हम लोग पहचान सकते हैं। यही चीज यहाँ पर मेंशन है, दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कुछ ऐसा शेप होगा कॉन्वेक्स लेंस का, बीच में से क्या होगा ये थोड़ा सा मोटा होगा और जो इसके एजेस होंगे वो पतले होंगे, थिन होंगे। नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस कैसा दिखेगा। कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि अगर आप उसको टच करेंगे तो जो मिडिल वाला पार्ट होगा वो होगा थोड़ा सा पतला मतलब थिन होगा, और जो उसकी एजेस होंगी वो थिक होंगी। कुछ ऐसा शेप होगा बीच का, थिन होगा और उसके जो एजेस है वो कैसे है, थिन है। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन है, दोज लेंसेज विच फील थिनर इन द मिडिल then at the edges are concave lenses। ठीक है, अब हम लोग बात ये करते हैं, एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में कि जिसमें क्या किया गया है कि मैग्नीफाइंग का जो ग्लास होता है जहां पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करके और कॉन्केव लेंस का यूज करके हमने एक एक्टिविटी की है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी में क्या दे रखा है कि एक सन है, जैसे कि सनलाइट हमारे पास आती है तो वैसे मान लो ये सन है। ठीक है, अब यहां से क्या लाइट आ रही है हमारे पास में, हम क्या करें कि एक छोटा सा लेंस ले ले। पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ध्यान रखना इस चीज को, पहले हमने लिए एक कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको ये इजिली अवेलेबल मिल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे जो फिजिक्स लैब है वहां पे ये मिलता ही है, वहां से आप देख सकते हैं उसको। कॉन्वेक्स लेंस जब आप इसको सामने रखेंगे सनलाइट के जस्ट सामने, जैसे कि सन लाइट आ रही है यहां पे आपने सामने रख दिया, इसके बाद में इससे पास होती हुई लाइट एक पेपर पे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक पेपर हमने लगा दिया और हमने इसको बिल्कुल स्टेडी रखा है, इस लेंस को पकड़ लिया है, होल्ड कर लिया और बिल्कुल स्टेडी रखा है, हिलाया नहीं है। कुछ टाइम के बाद में हम ये चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक सन की इमेज फॉर्म हो रही है। अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखें, स्टेडी रखें, तो हमें ये चीज पता चलेगी कि सन से लाइट जो आ रही है, जो कि इसके थ्रू पास होती हुई हमारे पेपर पे जा रही है, तो ये इस पार्ट को बर्न करना स्टार्ट कर देगी। उसका रीजन यही है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि कॉन्वेक्स लेंस जो भी लाइट होती है ना उसको कन्वर्ज कर देता है, मतलब अंदर की तरफ मोड़ देता है। जैसे कि ये लाइट आ रही है तो इसको क्या करेगा, अंदर की तरफ
मोड़ देगा और एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। अब जैसे सनलाइट वैसे इसमें हीट होती है लेकिन अलग अलग लाइट आ रही है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाती, बट अगर हम इसी पूरी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही वाली चीज जैसे कि एकता में शक्ति होती है, वही चीज यहाँ पे भी दिख रही है कि सारी की सारी लाइटें अलग अलग है, तब तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई भी इफेक्ट इसका नहीं दिख रहा है। जब ये लेंस ने इन सबको क्या किया, एक जगह पे ला करके इकट्ठा कर दिया, तो इसकी वजह से जो हमारा पेपर है पेपर पे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसी जगह पे हमने ले लिया कॉनकेव लेंस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले लिया था कॉन्वेक्स, अब मैंने ले लिया यहाँ पे कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस जो हमारा होगा फिर हम उसमें देखेंगे, ये कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर इमेज बन रही है, वही सेटअप करेंगे कि सनलाइट के सामने हमने कॉनकेव लेंस लिया, उसको हमने होल्ड करके रखा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पेपर के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाए लाइट पास होती हुई, तो हमें ये चीज पता चलेगी कि यहाँ पर इमेज बन ही नहीं रही है। उसका क्या रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ेगी ना वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है, बाहर की तरफ मोड़ देता है। तो यहाँ पर जो भी लाइट आ रही है ना उसको क्या करेगा, ये बाहर की तरफ मोड़ देगा। ठीक है, अब लाइट को तो इसने फैला दिया, जो आ रही है इसके पास लाइट वैसे ही फैली हुई है और उसको और ज्यादा फैला दिया, तो उससे क्या हो गया, कोई इमेज फॉर्म ही नहीं हो पा रही है। तो आई होप इन दोनों का जो नेचर है लेंसेस का वो आपको समझ में आया हो। अब इसके सेटअप, अब हमने जो पुरानी जो दो वीडियोस थे उसमें ये देखा था कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं और जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें कुछ इमेजेस फॉर्म होती है और उन इमेजेस के अलग अलग मिरर्स के हिसाब से अलग अलग नेचर होता है ना, जैसे कि किसी में वर्चुअल इमेज बनती है, किसी में रियल इमेज बनती है, किसी में इन्वर्टेड बनती है, तो किसी में इरेक्ट बनती है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे लेंसेज हैं इसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी फॉर्म होती है। ठीक है, ओके, तो इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ऐसा सेटअप करना होगा, कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हमें लेंस चाहिए होगा, तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कैंडल है एक। ठीक है, अब तीसरी चीज हमने क्या ली है, स्क्रीन ली है। अब एक चीज यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, जो मिरर और लेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो ये हो गया कि पहले क्या होता था, जैसे कि ये मेरा मिरर है सामने लगा हुआ, ठीक है ये मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें स्क्रीन कहाँ पे लगानी पड़ती थी, हमें स्क्रीन इधर या फिर इधर लगानी पड़ती थी, क्योंकि क्या है ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो मिरर पे जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के या इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा, तो कहाँ पे बनेगी इमेज, या इधर इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी, लेकिन इधर भी बने या इधर बने कैसे भी बने बट बन तो सेम साइड ही रहेगी ना ऑब्जेक्ट के, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो इसके इस साइड बने या इस साइड बने, लेकिन है तो सेम साइड ही ना, ऑपोजिट साइड थोड़ी बन रही है। समझ रहे हो ना इस बात को कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये मिरर है, तो फिर ये इस साइड मिरर के इस साइड, मतलब मान लो लेफ्ट साइड में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड में ही कहीं पे या इधर इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर, राइट साइड में नहीं जाएगी, बट इसमें उल्टा है। इसमें क्या है कि जो इमेज यहाँ पे अगर लेंस रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑपोजिट साइड बनेगी ऑब्जेक्ट के, तो इसीलिए हमने बीच में मिरर रखा है, मिरर रखने के बाद में हमने इधर रख दिया अपना ऑब्जेक्ट। अब इसकी लाइट जब इस पर फॉल होगी, ठीक है, तो फॉल होने के बाद थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, हमें ये लाइट पास होती हुई जाएगी और यहां पर एक इमेज फॉर्म होगी, लेकिन इमेज जो हमारी फॉर्म होगी वो कैसी होगी, ये अगर फ्लेम हमारा इस टाइप से है तो उल्टी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। दूसरी चीज क्या होगा कि यहाँ पर जो इमेज है वो थोड़ी सी साइज में छोटी भी होगी इसके एक्चुअल साइज के, ये जो इसका साइज है मान लो इतना है तो थोड़ी छोटी होगी। मान लो पहले मैंने जो इसकी जो लेंस है और जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने 50 सेंटीमीटर ले ली है, अब मैं क्या करूंगी थोड़ी सी डिस्टेंस को कम कर देती हूँ,
थोड़ी डिस्टेंस कम करने का मतलब है, जैसे कि मान लो मैंने कर दिया 40 कर दिया और मैं पास लेकर के आ गई, मैंने 40 कर दिया, तो 40 करने के बाद में इसकी जो इमेज है इन्वर्टेड ही रहेगी बट थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा। अब मैंने साइज को जो मेरी डिस्टेंस है उसको और थोड़ा पास में ले आई, 30 सेंटीमीटर कर दिया इसके बीच का डिस्टेंस, तो क्या होगा थोड़ी और इमेज बड़ी बन जाएगी बट इन्वर्टेड ही रहेगी। अब एक पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी कैंडल है ना, इस कैंडल को बिल्कुल ही हम लोग लेंस के पास में ले आते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहां पर ले आई, बिल्कुल पास में ले आई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर बिल्कुल पास ले आते हैं एक डिस्टेंस से, तो फिर यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन पर इमेज बन रही है वो इमेज बनना बंद हो जाएगी। इमेज मेरी कहाँ पर बनेगी, सिर्फ और सिर्फ लेंस के अंदर बनेगी और सीधी बनेगी। सीधी मतलब पहली चीज तो जिसको हम इरेक्ट बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बनेगी, और क्योंकि अगर स्क्रीन पर बन रही है तो रियल इमेज होती है, और अगर लेंस के अंदर या फिर मिरर के अंदर बनेगी तो वो कौन सी होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है ना, जैसे मैंने बताया था, तो इरेक्ट होगी और दूसरी वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। और इसका जो साइज होगा वो भी कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, मैग्नीफाइड बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। पहले तो बात ये, जब यहाँ पे बनेगी तो स्क्रीन पे बनेगी तो हमेशा कैसी हो गई, रियल बनेगी, और उल्टी बन रही थी तो क्या क्या कैसी हो गई, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसकी दूरी को कम करते रहते हैं इमेज का साइज बड़ा होता रहता है, बिल्कुल पास ले आएंगे तो इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये चीज लिखी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत ज्यादा पास में ले आते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेंस के अंदर बन रही है, इरेक्ट बन रही है मतलब सीधी बन रही है, अभी यहाँ पे उल्टी बन रही थी, और मैग्नीफाइड थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ठीक है। यही चीज अगर हम लोग यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे अगर हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज करते तो क्या होता, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा कि ये जो हमारी स्क्रीन है यहां पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कॉनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, क्योंकि रियल इमेज ही स्क्रीन पर बनती है, तो रियल इमेज नहीं बनाता है, हमेशा स्क्रीन हमारा लेंस के अंदर ही हमें इमेज समझ में आएगी। तो कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि हमें लेंस के अंदर ही दिखाई देगी। तो ये हो गया पहली चीज, हो गई वर्चुअल, और वर्चुअल हमें पता है ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वर्चुअल हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, सीधी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज हो गई, और साइज में थोड़ी सी छोटी बनेगी जो इसका एक्चुअल साइज है। मान लो इसका एक्चुअल साइज ये है, ये कैंडल है मेरी इतना है, तो अंदर जाते जाते ये थोड़ी छोटी हमें नजर आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ ऐसा सेटअप रहेगा कि जो एक्चुअल में साइज है वो छोटा होगा, और वर्चुअल इमेज बनेगी स्क्रीन पर नहीं बनेगी, दूसरी चीज इरेक्ट इमेज होगी मतलब सीधी इमेज बनेगी। यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। देखो ये जो सारी चीजें है ना, जिसमें कि इरेक्ट इमेज बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी या तो फिर रियल बनेगी या तो फिर वर्चुअल बनेगी, छोटा साइज होगा, बड़ा साइज होगा, तो ये सारी चीजें कंफ्यूज आपको कर सकती हैं। ये बहुत कॉमन है, इसमें ज्यादा घबराने की चीज नहीं है कि मैम ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसा सुन रखा है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको क्या है ना, समझने के लिए बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको जो मिरर है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, इसके अलावा जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज हैं, इसमें से कोई एक चीज को अच्छे से समझ लेना है। तो इसमें क्या करना है, सीधी सी बात है, एक हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो है ना,
इसमें जो इमेज बनेगी उसका नेचर कॉन्वेक्स लेंस के जैसा होगा। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में अभी हमने क्या देखा, जस्ट अभी अभी जो देखा है उससे समझने की कोशिश करो कि इसमें रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है। इसमें भी क्या होता है, रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है जब ऑब्जेक्ट लेंस से या मिरर से दूर होते हैं, ठीक है। और जैसे ही लेंस या मिरर के पास में लाएंगे ऑब्जेक्ट को तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी, दोनों ही एक। इसको अगर आपने थोड़ा सा दिमाग में ले लिया, समझ लिया, तो ये चीज वही चीज है, दोनों में सेम चीज ही करनी है। वैसे ही जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल जो इसमें इमेज बनेगी उसका नेचर जो होगा वो होगा आपका कॉन्केव लेंस के जैसा। तो बस कंफ्यूजन खत्म यहीं पर ही। एक चीज समझ लो फिर दूसरी चीज खुद भी समझ में आ जाएगी। दोनों में अगर आप पढ़ोगे ना और इनके पॉइंट्स लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों की इमेजेस एक जैसी हैं, ये दोनों की इमेजेस एक जैसी हैं। एक ही डिफरेंस होता है वो ये कि जो मिरर्स होते हैं उसमें जो इमेज बनेगी वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साइड में ही बनती है, उसके साइड में ही जो स्क्रीन होगी उस पर इमेज बनेगी। बट जो हमारे लेंसेज होते हैं उसमें क्या होगा, उसके साइड में ना होकर के ऑपोजिट साइड स्क्रीन पर इमेज बनेगी। बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। होप आपको दोनों के दोनों जो लेंसेज हैं इनके बारे में समझ में आया हो। अब हम पढ़ लेते हैं लाइट के बारे में। जो सनलाइट होती है वो कलर्ड होती है या वाइट होती है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का जो कि है सनलाइट। सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि वैसे तो बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं बट ये हमें वाइट क्यों नजर आती है, तो उस पर एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ये कलरफुल होती है, इसमें 7 कलर होते हैं जिसको हम लोग यहाँ ऐसे चेक कर सकते हैं। रिबग्योर, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। फर्स्ट इज हमारा वॉलेट कलर होता है, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा इंडिगो कलर, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा ब्लू, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रीन, इसके बाद में आता है हमारा येलो, देन ऑरेंज, देन रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर्स होते हैं जो कि हमारे लाइट में होते हैं सन की, बट हमें ये व्हाइट क्यों नजर आता है, इसके लिए आप बस एक एक्टिविटी करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप नॉर्मल क्या करो, एक छोटा सा कार्डबोर्ड है उसको क्या करो, कट कर लो ऐसे गोल, ठीक है। सर्कल कट करने के बाद में उसमें ना आप लोग ऐसे पार्ट्स बना दो और 7 आप पार्ट बना दो। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, तो 7 ऐसे पार्ट बना दो और उसमें ऐसे ही जैसे कि ये लिखा है ना, तो ये सारे के सारे कलर्स आप इसमें डाल दो, ठीक है, डाल दो इन द सेंस के मतलब इसको कलर कर दो। कलर करने के बाद में बीच में आप इसमें थोड़ा सा होल करके एक स्टिक लगा दो, जैसे मान लो ये बीच में स्टिक लगा दी और आसपास यहां पर ये ऐसा कार्डबोर्ड सा बना करके लगा दे जिसमें ये सारे कलर्स हैं कुछ कुछ पार्ट्स में। अब हम क्या करें, ऐसे स्टिक लें और इसको घुमाएं, बहुत तेज से घुमाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये घूमेगा बहुत ही स्पीडली और उसके बाद जितने भी कलर्स हैं ना ये सारे के सारे एकदम आपस में मिल जाएंगे और हमें कोई सा भी कलर दिखाई नहीं देगा बल्कि एक थोड़ा सा व्हाइटिश सा लुक आएगा। तो उससे हमें समझ में आता है कि जो कलर्स होते तो हैं सनलाइट में, लेकिन जो उसकी स्पीड होती है उसकी वजह से वो सारे एक तरीके से मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होने की वजह से हमें वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अगर आप अलग अलग कलर्स देखना चाहते हैं तो आपके जो फिजिक्स की जो लैब होगी ना उसमें एक प्रिज्म होता है, इस टाइप का एक प्रिज्म होगा, वहां पर अगर उस पर थोड़ी सी आप सनलाइट यहाँ ऐसे पास करोगे ना तो फिर एक मान लो एक सनलाइट जो होगी तो वो इसके थ्रू पास होते हुए जाएगी और वो 7 डिफरेंट कलर्स में डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रिज्म जो होती है उसकी ये नेचर होता है कि जो लाइट होती है उसको ये डाइवर्ज कर देता है जो भी इसके एक्चुअल कलर्स हैं उसमें, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा रेनबो, बारिश के जस्ट बाद रेनबो आता है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग कलर्स होते हैं, वो थोड़ा सा आर्क इस टाइप से एक आर्क बनता है। तो वो रेनबो क्यों बनता है और जस्ट बारिश के बाद ही क्यों बनता है, उसका रीजन ये है कि
कि जो हमारी ड्रॉपलेट होती है ना, तो वो किससे बनी हुई होती है? पानी से बनी हुई होती है। ठीक है, मान लो ये ड्रॉपलेट है, ये एक ड्रॉपलेट है, पानी से बनी है। तो क्या होगा, जब इसके थ्रू वाटर पास होता है ना, तो ये क्या करेगा, वही डायवर्जन का काम करेगा। जो भी कलर्स हैं इसके सनलाइट के, तो उनको अलग अलग कलर्स में डाइवर्ट कर देगा। वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो बारिश के बाद में एक दो तो होती नहीं है, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो जितनी भी सन की लाइट आती है वाटर के थ्रू पास होती है, तो वाटर क्या करता है, सब में जो भी व्हाइट लाइट आ रही है ना, उसको सबको अलग अलग करके अलग अलग कलर्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हमें वो रेनबो एक साथ एक पैटर्न में नजर आता है। अब देखिए, ये है कि जो भी कभी भी आपको रेनबो देखना है ना, तो किस डायरेक्शन में देखना है, जिधर से सन है, जहां पे आपको सन दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट आएगी वाटर के थ्रू पास होगी तभी तो रेनबो बनेगा ना। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जिधर सन है उसके ऑपोजिट साइड में आप खड़े होकर के देखो, तो उधर साइड कभी भी आपको रेनबो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे, जो वाटर होता है ना, वो तो एक अच्छा काम कर ही रहा है डायवर्जन का, जो लाइट है उसको अलग अलग कर रहा है, कलर्स को अलग अलग कर रहा है। तो ये सबसे अच्छे एग्जांपल आप घर पे कभी देखा हो, कभी बबल्स बनते हैं ना, सोप से बबल बनते हैं, तो उसमें कभी भी लाइट पड़ती है तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो वाटर के थ्रू भी पास होकर के लाइट जाती है, वो भी क्या करेगी, कलर्स को अलग अलग कर देती है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि जो हमारी सनलाइट होती है वो कैसी होती है, कलर्ड होती है, वो बस हमें दिखाई देती है व्हाइट कलर की। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है यहीं पर ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।